नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। लगातार हम बात कर रहे हैं नरेंद्र गिरी जी महाराज, जिनकी मौत हो गई है। संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार आपको फिर से बता दें कि कल शाम उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद आज से कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे प्रयागराज। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे कुछ ही देर बाद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम भी होंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी बागंबरी गद्दी पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आपसे कुछ ही देर बाद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि क्या हुआ था। तो आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल सुसाइड नोट में आनंद गिरी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया था मानसिक उत्पीड़न का, और इस मामले में आनंद गिरी को कल उत्तराखंड से ही हिरासत में लिया गया। आद्या प्रसाद तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, नरेंद्र गिरी महाराज के मौत के मामले में आद्या प्रसाद के बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि। तो अब तक की अपडेट हम आपको बता दें, आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आद्या प्रसाद तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। आद्या प्रसाद के बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि देंगे नरेंद्र गिरी जी महाराज को प्रयागराज पहुंचकर। आज अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की बैठक होगी। नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और मौत के बाद से लगातार सब कुछ सस्पेंस है, लेकिन अब तक खुलासे क्या हुए हैं आइए हम आपको बताते हैं। शव वाले कमरे से ही सुसाइड नोट मिला था। हाथ में लिखा गया है, यानी हाथ से लिखा गया है वो लेटर जो सुसाइड नोट है। पुलिस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराएगी। कल ही ये बात कह दी गई थी वहां के आईजी के द्वारा। सुसाइड नोट में तीन लोगों को नरेंद्र गिरी ने जिम्मेदार ठहराया है। 7 पेज के सुसाइड नोट है। शव वाले कमरे में ही सुसाइड नोट मिला। आपको बता दें कि इस खुलासे में ये कहा गया है कि नरेंद्र गिरी जी महाराज अपने हाथों से सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज, ये एक शॉकिंग खबर है। आपको बता दें कल शाम जब ये खबर आई तो सनसनी फैल गई पूरे देश भर में। नरेंद्र गिरी जी महाराज, जिनके नाम कई उपलब्धियां हैं खासकर कुंभ मेला को लेकर, वो संतों में एक लोकप्रिय हुआ करते थे और सभी को सामंजस्य के साथ कैसे ले जाना है आगे, वो उनमें एक बहुत ही अच्छी कला थी। प्रशासन और संतों के बीच जो दूरियां कभी कभी हो जाती थी, उस दूरियां को खत्म करने के लिए भी जाने जाते हैं नरेंद्र गिरी महाराज। लेकिन इस मामले में जो अब तक खुलासे हुए वो ये कि सुसाइड नोट जो हाथ से लिखा गया है और तीन लोगों को इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है। और आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी जी महाराज के निधन के बाद से लगातार प्रतिक्रिया का दौर भी जारी है। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैं तो आज की जो घटना है, पूज्य महाराज जी के कल ही मैं सुबह चरण वंदन किया। सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण वंदन किया और फिर वो जा करके मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे। आज तक के पत्रकार श्री राहुल कमल जी मेरे साथ में थे, उन्होंने कुछ सवाल किए। जिस साहस के साथ, जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं, वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया। महाराज जी हम सबके बीच में नहीं रहेंगे, सोचना भी आज हमारे लिए कष्टदायी है। महाराज जी ने कुछ दिनों पहले ही फ़ोन करके मुझे आमंत्रित किया था कि मैं प्रयागराज आऊँ, और जब भी कोई ऐसा अवसर होता था खुशी का या कोई किसी चीज़ में कोई दुख पहुंचता था तो महाराज जी याद आते थे। मुझे आज भी याद है, मैं कोरोना से संक्रमित था और अस्पताल में भर्ती था। उस समय महाराज जी स्वयं भी कोरोना से संक्रमित थे और वो बार बार मेरा फ़ोन करके मेरा हालचाल ले रहे थे। कुछ दिनों पहले भी उनका जब फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा
कि प्रयागराज चले आओ, बहुत दिन हो गया। महंत नरेंद्र गिरी जी नहीं रहे, मेरा उनसे बहुत प्रगाढ़ संबंध कुंभ के दौरान हुआ था, वैसे परिचय तो बहुत पुराना था और मैं एकदम से समझ नहीं पाया कि एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जैसी जानकारी मिली कि कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है और बाद में ये कहा गया कि उसका कोई संदिग्ध परिस्थिति हो सकती है, फिर एकदम से टेलीविज़न पर समाचार आने लगे, उसको देखता रहा। लेकिन ये और आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मामले में एक और बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है वो ये कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रयागराज के डीएम एसएसपी को हटाए जाने की मांग की गई है। लेटर पिटीशन में हत्या की आशंका जताई गई है। एससी के वकील सुनील ने चीफ जस्टिस को भेजी है लेटर पिटीशन, मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की है। तो कई अहम बातें जो जानकारी मिल रही है, हालांकि जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हर कोई स्तब्ध है इस बात से लेकर कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जो लगातार सभी साधु संतों के बीच रहते थे, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और वो सर्वमान्य थे, लोकप्रिय थे संतों में, सबको साधने की जो कला है वो उनमें एक बहुत ही अच्छी थी और सबके साथ उनका सामंजस्य, कोई भी आम से आम नागरिक हो या खास हो, जब लेटे हुए हनुमान मंदिर में लोग जाते हैं तो उनको बहुत ही आदर भाव से वो दर्शन कराते थे, ये तमाम बातें। लेकिन अगर वो खुदकुशी कर लेते हैं तो इससे बड़ा दुखद नहीं हो सकता कि आखिर ये नौबत कैसे आई। और इन बातों को लेकर तो आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग तो हुई है, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी जो कि उपाध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर जैसे ही उनको खबर लगी है, वो शाम को आए थे और उसके बाद अभी आए हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, किस तरह से वो आखिरी बार वो मिले हैं और क्या हुआ है। महाराज जब आप आए थे पूर्णमासी के दिन, उसके बाद उनसे साथ आपकी बातचीत भी हुई थी, तो उस समय क्या लग रहा था आपको? गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन भी वो कह, रात भर मैं उल्टी करता रहा, मेरे सेहत ठीक नहीं है, देखो मैं चौकी भी नहीं लगा सका, तो फटाफट उन्होंने चौकियाँ हमारे लिए लगाई। कह रहा कि अरे मैं तो भूल गया, रात को मैं बीमार रहा, इसलिए आपके मैं पूरी तरह से सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपने ही हैं, कोई बैठ जाइए आप। महाराज जी ये बताइए कि जो उनकी मौत हुई है वो संदिग्ध हुई है, आप किसी तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप उपाध्यक्ष? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो सीबीआई जांच की मांग की है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, बहुत हस्ती थे वो, कोई ऐसे छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, आप लोगों की उनसे मुलाकात होगी, क्या कहेंगे आप? हम भी यही कहेंगे कि मांग करेंगे कि इसकी जाँच कराइए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराइए, जिससे कि ये दूध का दूध हो जी। इसके अलावा भी कोई चीज़ जो आपके मन में हो जो बताना चाहते हो महाराज जी से रिलेटेड? उनसे तो हमारा बहुत 2500 साल से संबंध है, बहुत हमारी कितनी, हम आसाम गए इकट्ठे, बहुत जगह जगह हम उनके साथ गए हैं, हर जगह कवर्धा में एक बार इकट्ठे गए थे हम, इकट्ठे रुके हैं, इकट्ठे रहे हैं, ऐसी कोई मन में उन्होंने कभी ऐसे संकेत नहीं दिया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कभी। अच्छा, उनके शिष्य हैं आनंद गिरी हैं, उनसे विवाद भी उनका चल रहा था, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको उन्होंने बताई हो, क्योंकि आप लोग हमेशा साथ रहते थे, मित्र थे आप? इतना ही कहते थे कि मैं इस कारण से व्यथित हूँ, बाकी उन्होंने ऐसा कदम उठाने के लिए कभी हमारे को तो संकेत नहीं दिया कोई भी। तो आपको लगता है कि उनकी हत्या की गई हो ऐसा कुछ? अरे ये तो जाँच का विषय है, जाँच में जो भी निकलेगा वो तो सब अधिकारी लगे हैं, फॉरेंसिक जाँच हो रही है, सब हो रहा है, जो भी होगा वो तो सामने आ जाएगा। अखाड़ा परिषद तो एक बार आपको फिर से बता दें, लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं और प्रयागराज से आलोक मालवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी महाराज का निधन हो गया है और अब से कुछ ही देर बाद प्रयागराज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो प्रयागराज जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे अखिलेश यादव, महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव हरिद्वार कुंभ में भी महाराज जी से मिले थे, नरेंद्र गिरी जी महाराज से, और लगातार यानी सभी पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सबके साथ महंत
नरेंद्र गिरी जी महाराज का एक अच्छा रिश्ता रहा है और यही वजह है कि हर कोई शोकाकुल है। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं प्रयागराज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन जो खबर है वो ये कि 12 बजे अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचेंगे, महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उस दरमियान जब कुंभ हुआ था उसमें भी नरेंद्र गिरी जी महाराज ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, यानी कि कुंभ को कैसे संचालित किया जाए सरकार के साथ हमेशा एक बेहतर सामंजस्य के साथ उन्होंने काम किया है। और चलिए अब हम अपडेट आपको बता रहे हैं कि इस वक्त प्रयागराज में हो क्या रहा है। हमारे साथ आलोक मालवीय जी जुड़ गए हैं और लखनऊ से अश्विनी जुड़े हुए हैं। लखनऊ में हलचल क्या है वो तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले चलते हैं प्रयागराज। आलोक आप बताएं, आप इस वक्त बाघम्बरी अखाड़े में हैं, वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज का, एक के बाद एक लोग पहुँच रहे हैं, आपसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी पहुँचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आगे का, क्या कुछ हो रहा है वहाँ? अभी पंच परमेश्वर यहाँ पहुंचे हैं, पर पंच परमेश्वरों की अभी यहाँ पर एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ये डिस्कस किया जाएगा कि किस मुहूर्त में उनका जो पार्थिव शरीर है उनको रखा जाएगा, समाधि दी जाएगी, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल नरेंद्र गिरी जी का दर्शन करने उनके परिवार के लोग भी आए थे, उन्होंने भी उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वो शोकाकुल होकर एक कमरे में बैठे हुए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा की टीम है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही यह भी खबर मिल रही है कि प्रियंका गांधी भी यहां पर आ सकती हैं और महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकती हैं। चूंकि राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ी हुई है इसलिए संगम नगरी प्रयागराज की जो सुरक्षा व्यवस्था उसे चाक चौबंद किया गया है। बारिश के कारण जो सड़कें खराब हो गई थी उन्हें पैचिंग का वर्क सुबह से ही किया जा रहा है। चूंकि वीवीआईपी अभी आने वाले हैं और आकर अखाड़ा परिषद में रुकेंगे, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे महंत को, जिस वजह से भी सड़कों की भी व्यवस्थाएं टाइट की गई है। इसके अलावा प्रशासनिक अमले ने कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो उस इलाके में अल्लापुर इलाके में जहां मठ बागम्बरी गद्दी है उधर ना जाएं। सभी को फिलहाल रोक दिया गया है, जिनके आवास है उनको भी कहा गया है कि अगर जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले। सभी की सुरक्षा को देखते हुए ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मेयर अभिलाषा गुप्ता, इन सबके आने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो कि अभी से कुछ देर बाद अखाड़ा परिषद में आ सकते हैं। कल रात में उच्च शिक्षा मंत्री पूर्व नरेंद्र कुमार सिंह गौर आए थे, इसके साथ ही प्राचार्य एसपी सिंह आए थे जो कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनका भी काफी घनिष्ठ संबंध रहा है। उन्होंने भी पार्थिव शरीर के कल रात में दर्शन किए थे और शोकाकुल गए थे। फिलहाल यहाँ की स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासनिक अमले ने अभी पुष्प की व्यवस्था की है, मजिस्ट्रेट की गाड़ी से भी पुष्प आया है और उसे सजाने का काम किया जा रहा है। अभी जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करके पार्थिव शरीर का जाएंगे तो उसके बाद जो महंत नरेंद्र गिरी की आलोक जी बने रहे आप, आपसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से सभी नेता वहां पर बारी बारी से पहुंच रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं नरेंद्र गिरी जी महाराज की। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी महाराज जी का कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आज समाधि दी जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए और खबर यह है कि प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली हैं। हमारे साथ लगातार आलोक मालवीय लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से पल पल की अपडेट जो है वो हमें दे रहे हैं। आलोक हम आपसे जानना चाहेंगे, और लखनऊ से अश्विनी भी जुड़ गए हैं, पहले अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी जहाँ तक लखनऊ की बात कर ली जाए, हालांकि महाराज जी के सबके साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या संत समाज हो, या कोई आम आदमी हो, हर कोई जब जो भी उनके दरबार में पहुँचते थे बड़े ही सहजता के साथ उनके साथ मुलाकात होती थी, बात होती थी। देश शोकाकुल है, लखनऊ में इस वक्त क्या माहौल है? बिल्कुल, अगर बात करें नरेंद्र जो गिरी जी की आज मौत के बाद, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लोग हो, चाहे आम लोग हो, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, सब कहीं ना कहीं निराश हैं, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी का जाना हुआ वाकई में स्तब्ध करने वाला है। जो अभी तक बातें आ रही हैं आत्महत्या और हत्या के बीच की गुत्थी है जो पुलिस उसको सुलझाने में लगी हुई है, तमाम जो लोग हैं वो उसको कहीं ना कहीं साजिश बता रहे हैं। वहीं पुलिस का भी एक तक कहना है कि जो फांसी उन्होंने खुद लगाई, 8 पन्ने का सुसाइड नोट भी दिया जिसमें तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी, जिन्हें जमीनी विवाद था, आनंद गिरी जो उनके शिष्य थे उनको उनका भी जिक्र किया है। निश्चित तौर पर उसके बाद सियासी घमासान भी मच गया है, चाहे मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो कार्यक्रम हैं उनके उनको रद्द करने के बाद लखनऊ पहुंचे, एक कार्यक्रम में शिरकत होने के बाद सीधे यहां से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। उप मुख्यमंत्री यहां से रवाना शायद हो चुके हैं। इसके अलावा
तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा तमाम अन्य मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं कांग्रेस की, उनके पहुंचने की भी संभावना है। इसके अलावा मायावती भी ने कल ट्वीट किया, क्योंकि जो नरेंद्र जी गिरी जी का जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में विराट था। चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी राजनेता कोई भी जाता था, सबके साथ एक समान भाव से बातचीत करते थे, सबको आशीर्वाद देते थे। दो दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने उनसे भेंट की थी, उनका आशीर्वाद लिया था। जब उनकी मौत की खबर मिलती है तब जब तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनका कहना था हम स्तब्ध हैं, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा इस तरीके से हो सकता है। वो भी महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पर तमाम सवाल हैं, राम विलास वेदांती हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि आखिर जब आनंद गिरी को महाराज जी ने खुद अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना तो कहीं ना कहीं अनुचित है, उसकी जांच बाकायदा होनी चाहिए। क्योंकि जब वो खुद चाहते थे कि उत्तराधिकारी आनंद गिरी हो, हालांकि कुछ विवाद हुआ था लेकिन सुलह उसके बाद हो गई थी दोनों के बीच। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी जी से माफी भी मांगी थी और उसके बाद सब कुछ उनका जुम्मट के अंदर प्रवेश था, वो जो पहले मनाही थी वो समाप्त कर दिया गया था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने भी पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जो आला अधिकारी उनको निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द मामले की जांच हो, चाहे जो भी हर बिंदु की जाए, चाहे कोई भी बिंदु हो। और संभवतः ऐसी जानकारी भी हो रही है कि मुख्यमंत्री अब से कुछ दिन में यहां से निकलकर जो अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, हम आलोक के पास चलते हैं। आलोक, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और जैसे कि अभी अभी अश्विनी जानकारी दे रहे हैं कि रामविलास वेदांती जी ने भी ये बात कही है कि हमने खुद उनको उत्तराधिकारी सौंपी थी, और उसके बाद जहां तक वाघम्बरी गद्दी की बात कर ली जाए तो महाराज जी के मुंह से कई बार उन्होंने सुना है कि आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। सब कुछ जाँच का विषय है। फिलहाल इस मामले में जो सुसाइड नोट है, उस नोट को लेकर किस तरीके से जाँच हो रही है? ये देखिए, सुसाइड नोट की फॉरेंसिक टीम के साथ कई एजेंसियां भी उसकी जांच करेगी। यहां पर संगम नगरी में उनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, अनुयायी आ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है उनके बारे में, क्या सोचते हैं, कैसे उन्होंने सुसाइड किया। क्या नाम है, परिचय क्या है, क्या कहेंगे? आशीष पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मैं हूँ, और मैं यहाँ पर आया, बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना हुई है। संत की जिस तरीके से एक संदेह के घेरे में, किस तरीके से क्या कारण हुआ कि मौत उनकी हुई, मैं मांग करता हूं कि इस महान संत की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप कई बार उनसे मिल चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, कैसा स्वभाव, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही धार्मिक थे। वो अपने उस मठ को किसी आपराधिक पवित्र के लोगों को हाथ में नहीं देना चाहते थे। कुछ लोग जरूर संदेह के घेरे में, हम यह मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या आप लोग मांग करेंगे उनसे किसी तरह जांच की? निश्चित तौर पर मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो विद्या, देख रहा आपने, सभी लोग जांच की मांग कर रहे हैं और संदेह के घेरे में उनकी मौत अभी भी बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री जब आते हैं तो पंच परमेश्वर भी उनसे सीबीआई जांच की मांग करेंगे, इसके साथ ही जो अनुयायी है वो भी जांच की मांग करेंगे। कुल मिलाकर आलोक, ठीक है, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग भी की जा रही है, सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। आप ये बताइए कि इस वक्त वहां पर, चूंकि पूरे देश की अगर बात कर लीजिए, अयोध्या, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर जो है संत समाज इस वक्त शोकाकुल हैं, वहाँ वाघम्बरी गद्दी पर कौन कौन से संत कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन से अखाड़े के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम समाधि कब दी जाएगी, ये हम आपसे जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, और फिर हम जब लौटेंगे तो हम ये आपको बताएंगे कि कब तक महाराज जी का यानी समाधि दी जाएगी।